दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2। इसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि विद्युत फ्लक्स। तो इसके पहले जो है हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और ये क्या होता है। अब क्वेश्चन है कि फ्लक्स क्या होता है। तो देखो, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ लिया कि एक ऐसा एरिया जहाँ किसी और चार्ज को लाने पर क्या होता है, उस पर फोर्स लगता है। अब क्वेश्चन है कि ये फ्लक्स क्या होता है। तो एक तरह से आपको पूछे कि फ्लक्स का मतलब क्या होता है, तो फ्लक्स का मतलब एक तरह से प्रवाह होता है। तो हम ये पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फ्लक्स है, जो प्रवाह है, वो किस तरह से होगा। अब आप पूछोगे कि प्रवाह क्या होता है, तो प्रवाह का मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर किसी चीज को फ्लो होके जाना। जैसे कि वाटर का फ्लक्स हो सकता है, हीट फ्लक्स हो सकता है, इस तरह से क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये भी क्या होते हैं, फ्लक्स होते हैं। ठीक है, तो इन चीज को समझने से पहले हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। इसे कहा जाता है एरिया वेक्टर, यानी कि क्षेत्रफल सदिश। अब अगर कोई आपको पूछे कि एरिया जो है यानी कि क्षेत्रफल, वो एक सदिश राशि है या अदिश राशि है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि एरिया तो हमेशा क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी। एरिया की कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो क्वेश्चन है कि आखिर एरिया वेक्टर क्या होता है। अगर मान लो कि ये तो अपने पास व्हाइट बोर्ड है, क्या इस व्हाइट बोर्ड का कोई एरिया वेक्टर हो सकता है? व्हाइट बोर्ड का कोई एरिया वेक्टर नहीं होगा। लेकिन अगर इस व्हाइट बोर्ड के ऊपर छोटे छोटे एलिमेंट्स लिए जाएं, तो उन एलिमेंट्स के क्या हो सकते हैं, एरिया वेक्टर हो सकते हैं। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये बात याद रखना कि एरिया वेक्टर जो बहुत ही अल्पांश, छोटा सा अल्पांश हम लेते हैं, उसी के लिए क्या होता है, डिफाइन होता है। लार्ज स्ट्रक्चर्स के लिए कोई भी एरिया वेक्टर डिफाइन नहीं होता। अगर कोई आपको जोर दबा के समझाने की कोशिश कर रहा है कि एरिया वेक्टर होता है, तो उसको सीधा से पूछिए, अगर एरिया वेक्टर होता है तो ये रहा मेरा स्फीयर। अब इस स्फीयर के ऊपर, तो स्फीयर का एरिया तो हो गया 4πr2। ठीक है, अब बताओ इसका डायरेक्शन कौन सी। भाई यहां का आप बता सकते हो कि भाई ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, हर बार यही हो गया, नहीं होगी। लेकिन अगर स्फीयर है तो स्फीयर का फिर एरिया वेक्टर का, तो स्फीयर का एरिया वेक्टर नहीं होगा। लेकिन स्फीयर के ऊपर अगर एक छोटा सा क्या लिया जाए, अल्पांश लिया जाए, तो उसका एरिया वेक्टर डिफाइन कर सकते। तो बहुत बेसिक डिफरेंस है। ये तो एक क्या है कि ओपन स्ट्रक्चर है और प्लेन सरफेस है, तो हम इसका जो है सब कोई भी एलिमेंट यहाँ लो हमेशा ऐसे परपेंडिकुलर होगा। लेकिन स्फीयर के अंदर आप ऐसे नहीं कह सकते, तो जो छोटा अल्पांश होगा उसका तो होगा, लेकिन कंप्लीट स्ट्रक्चर का कभी भी कोई क्या नहीं होता, एरिया का वेक्टर नहीं होता। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि एरिया वेक्टर होता क्या है। ठीक है, तो देखो दो केसेस होते हैं। सबसे पहले है, एक तरह से क्या होनी चाहिए, ओपन सरफेस होनी चाहिए, यानी कि खुली सतह होनी चाहिए। और दूसरा है केस जहां हमारे पास क्या होती है, क्लोज सरफेस होती है, यानी कि बंद सतह होती है। अब देखो, ओपन सरफेस मतलब कि जैसे मान लो कि ये इस तरह से, ठीक है, तो मान लीजिए कोई एरिया, हमने कोई बहुत छोटा सा एलिमेंट लिया, और वो जो एलिमेंट है जो हमने बहुत छोटा सा लिया है वो इस शेप का, ठीक है। तो अब अगर आपको पूछा जाए कि इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, तो देखो इसका एरिया वेक्टर हमेशा क्या होगा, एरिया वेक्टर जो होगा यानी कि जो क्षेत्रफल सदिश जो होगा, वो आपका होगा एरिया इंटू नॉर्म, यानी कि क्षेत्रफल इंटू अभिलंब। तो जैसे मान लीजिए कि ये जो सरफेस है इसका एरिया कितना है, डी ए, ठीक है। अब देखो इसके दो नॉर्मल पॉसिबल है, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, ठीक है। तो इसको अपन बोल देते हैं एन वन कैप, और इसको अपन बोल देते हैं क्या, एन टू कैप। तो अगर कोई ओपन स्ट्रक्चर है, तो ओपन स्ट्रक्चर के लिए एरिया वेक्टर आप डी ए इंटू एन वन कैप भी लिख सकते हो, और डी ए इंटू एन टू कैप भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ओपन स्ट्रक्चर जैसे मान लो कि अगर अपने सरफेस को देखते हुए, आप ये मत मानो कि बंद है, ठीक है, आपसे ऊपर सरफेस को लो, आप ऐसा ही है, तो आप एरिया वेक्टर ऊपर भी ले सकते हो, भाई जो इसका एरिया इनटू परपेंडिकुलर के ऊपर की तरफ, और आप चाहो तो इसको इस तरह से नीचे भी ले सकते हो। ओपन के अंदर कोई ऊपर नीचे नहीं होता, ये इस तरह से आपने लिया, अब आपको घुमा दो, घुमाने से क्या हो गया, ये ऊपर का क्या हो गया, नीचे हो गया, ठीक है। तो
अगर ओपन सरफेस है तो सीधा सा क्या होगा कि भाई एरिया इनटू नॉर्मल होगा तो ये क्षेत्रफल इनटू अभिलंब। अब नॉर्मल जो ऊपर वाला भी वैलिड है और नीचे वाला भी वैलिड, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। अब अगर क्लोज सरफेस हो जाए यानी कि बंद सतह हो जाए तो बंद सतह में कैसे लेते हैं, तो देखो बंद सतह का अपन एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि अपन क्यूबिकल स्ट्रक्चर ले लेते हैं जैसे ये, ठीक है। अब सबसे देखो जैसे इसके नीचे वाली साइड को देखो, अब देखो अब बंद सतह का जो होगा ठीक है, कोई भी सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा, एरिया वेक्टर वो होगा एरिया इनटू नॉर्मल आउटवर्ड, यानी कि क्षेत्रफल इनटू बाह्य अभिलंब। अब बाह्य अभिलंब का मतलब क्या है कि देखो इस सरफेस के लिए दो देखो इस सरफेस के लिए अगर आप इस तरह से दोनों नॉर्मल को ड्रॉ करने की कोशिश करोगे तो एक नीचे बनेगा और एक ऊपर की तरफ बनेगा। यहां देखो अब की बारी अपने पास परफेक्ट एग्जांपल। अब अपन देखो नीचे वाले सरफेस को देखें तो एक नॉर्मल इसका ऐसे होगा और एक नॉर्मल ऐसे होगा, लेकिन क्योंकि ये सरफेस बंद है तो देखो ये वाला जो नॉर्मल है ऊपर वाला ये तो बॉडी के अंदर की तरफ जा रहा है, जबकि ये बॉडी से कैसे निकल रहा है, बाहर निकल रहा है। तो जब भी अपन क्लोज सरफेस के लिए देखेंगे तो आउटवर्ड वाला नॉर्मल लेंगे, मतलब अगर ये डायरेक्शन अपनी कौन सी है n2 कैप है और ऊपर वाली डायरेक्शन अपनी कौन सी है n1 कैप है, तो अगर अपन इस नीचे वाली सतह यानी जैसे मान लो कि इसको मैं a b c d कह देता हूं, तो अगर आपको एरिया वेक्टर लिखना होगा a b c d का, क्या लिखना है हमें एरिया वेक्टर लिखना है, तो इसका एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, इसका एरिया ए बी सी डी इंटू एन टू कैप, ठीक है। आप इसको एन वन कैप नहीं लिख सकते क्योंकि अब की बार ये क्या है, बंद है स्ट्रक्चर, तो बंद स्ट्रक्चर में हमेशा बंद स्ट्रक्चर के बाहर की तरफ ही लिया जाएगा। और इस तरह आपको बोला जाए जैसे मान लीजिए कि ये हो गया ई एफ जी एच, ठीक है, तो ई एफ जी एच के लिए एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, EFGH के लिए एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा कि भाई एरिया EFGH कि भाई जो भी एरिया है EFGH भाई आपको नजर आ रहा है रेक्टेंगल तो रेक्टेंगल लगा दो, स्क्वायर स्क्वायर का लगा दो, ट्रेपेजियम ट्रेपेजियम का लगा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी एरिया है वो एरिया इनटू। अब इस सरफेस पर भी तो देखो ये भी अभिलंब है ये भी अभिलंब दोनों अभिलंब, लेकिन ये अभिलंब क्या है बॉडी के अंदर जा रहा है जबकि ये बॉडी से बाहर जा रहा है, कौन सा बाहर जा रहा है एन वन क्या, तो यहाँ क्या लगा देंगे एन, तो ये क्या हो जाएगा ऊपर वाली सरफेस का क्या हो जाएगा एरिया वेक्टर हो जाएगा। तो ओपन सरफेस के लिए तो दो दो पॉसिबल है एरिया वेक्टर भाई ऊपर और नीचे की तरफ, ठीक है, लेकिन जो क्लोज सरफेस होगी उसमें हमेशा सरफेस से जो बाहर की तरफ एलिमेंट निकलेगा उसी को ही लेंगे। जैसे मान लो कि ये कोई आपके पास क्या है स्फीयर है गन है और यहां पर आपने क्या लिया एक छोटा सा एरिया ले लिया ठीक है। अब इस एरिया को आपने सिर्फ स्क्वायर लिया तो आप देखो एक इधर भी नॉर्म बना सकते हो इधर भी नॉर्म बना सकते हो, लेकिन एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कौन सी होगी जो इस स्फीयर के बाहर की तरफ निकलेगी, मतलब ये वाली डायरेक्शन ही क्या होगी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी, अंदर वाली डायरेक्शन एरिया वेक्टर की डायरेक्शन नहीं होगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या होता है एरिया वेक्टर। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आई तो वापस जो है ये जो मैंने पढ़ाया है स्टार्टिंग के अंदर एरिया वेक्टर, इसे आप दो तीन बार अच्छे से समझ लें क्योंकि आगे जब हम गॉस थ्योरम्स और ये सब देखेंगे तब उसमें इस एरिया वेक्टर का बहुत ही ज्यादा क्या होगा यूज होगा। अब हम आगे देखना स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है। तो देखो इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन ये है कि किसी सतह से लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या ठीक है, हिंदी में इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, इसी सतह से लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं विद्युत फ्लक्स, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू सरफेस, ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू अ सरफेस, वो जो नंबर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का उसको हम क्या बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे, ठीक है। ध्यान देखो जैसे मान लीजिए कि ये एक सरफेस है
ठीक है, इस सरफेस का जो एरिया है, इस सरफेस का आपको एरिया दे रखा है एक। अब यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरह से, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इसके इक्वल है ई के। तो आपको यह पता लगाना है कि ई का, जैसे मान लो कि ये सरफेस है और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो कितनी लाइंस यहां से होके निकल रही है। तो एक तरह से अगर आप आगे जाएंगे हाई क्लास, तो आप सामने आएगा कि ई जो है ये एक तरह से इसको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, और एक तरह से ये क्या होगा कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं का घनत्व होगा। ये क्या होगा? विद्युत क्षेत्र रेखाओं का घनत्व होगा, यानी ई क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी का मतलब ये हुआ कि पर यूनिट एरिया में से कितनी लाइंस निकलती है, तो पर यूनिट एरिया में से कितनी लाइंस निकलती है ई। ठीक है, तो अगर पर यूनिट एरिया यानी कि एकांक क्षेत्रफल से ई निकलेगी, तो ए एरिया से कितने निकलेगी, तो ई ए एरिया से निकलने वाली नंबर ऑफ लाइंस क्या हो जाएगी, ई इनटू ए। हुई या नहीं हुई भाई? ई का मतलब अभी आपके लेवल पे ये नहीं लिख रहा था कि इसको क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं, लेकिन एक तरह से जो ई होता है यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक और नाम जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी भी है। जब आप अगला जाओगे तो बोलेगा इसका ये नाम भी होता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी का मतलब क्या हुआ कि एकांक क्षेत्रफल से कितनी रेखाएं निकल रही है, तो एकांक क्षेत्र से निकलने वाली रेखाओं की संख्या कितनी होती है, ई। यानी यूनिट से कितनी निकल रही है, एक से कितनी निकल रही है, ई। तो ए से कितनी निकलेगी, ई इंटू ए। आगे ने बात समझ, तो ई इंटू ए जो है ये मेरा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है, यानी कि विद्युत फ्लक्स कहलाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आखिर इसकी जनरल डेफिनेशन क्या होगी। तो ये तो क्या हुआ, एकदम स्मूथ केस हुआ कि भाई एकदम ही सीधे का सीधा निकल गया। ठीक है, अब देखो आप, अब केस को थोड़ा सा क्या करते हैं, अपन कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। जैसे मान लो कि ये एक तरह से आपका सरफेस है ऐसे, ठीक है, ये एक सरफेस है और ये सरफेस का क्या है, एरिया वेक्टर है, और ये मेरा क्या है, डी ए। ठीक है, ये सरफेस ऐसी रखी हुई है, ये इसका एरिया वेक्टर है इस तरफ डी। अब ये मेरा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ई, और डी ए जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल बनाता है। यानी देखो एरिया वेक्टर इधर है, ठीक है, एरिया वेक्टर इधर है और मेरा ई इधर है, ये दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है। अब आप गौर करो, देखो इस डीए के दो कंपोनेंट हो सकते हैं, एक इस तरफ हो गया कौन सा, डीए कॉस थीटा, और एक ऊपर की तरफ हो गया कौन सा, डीए साइन थीटा। हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, अब आप एक चीज गौर करना कि देखो ये डीए क्या है, डीए है एरिया वेक्टर यानी कि क्षेत्रफल सदिश, यानी ये वाला जो टोटल एरिया है, ये वाला टोटल एरिया अपना कितना है, डीए, लेकिन इस डीए की डायरेक्शन किस तरफ थी, उस तरफ। अब अभी हम क्या पढ़ गया है कि एरिया वेक्टर हमेशा, देखो सरफेस ओपन है, एरिया वेक्टर हमेशा ओपन सरफेस के क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो जैसे मान लो कि इधर रखा हुआ था तो इसका परपेंडिकुलर इधर था, तो एक बार थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि कोई भी चीज का परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में कब आएगा, जब वो चीज ऐसे हो, यस और नो। ध्यान देखो, अगर कोई सरफेस एकदम इस तरह से होगी तभी तो इसका एरिया वेक्टर dA cos थीटा होगा, हां। और कोई भी चीज का एरिया वेक्टर इधर कब होगा, भाई देखो एरिया वेक्टर और ये तो परपेंडिकुलर होते हैं हमेशा एरिया, तो देखो एरिया वेक्टर इधर है तो एरिया इधर रहा होना चाहिए, यानी कि इस तरफ रहा होना चाहिए। यानी कि ये अगर dA sin थीटा है तो देखो dA sin थीटा वाला एरिया कौन सा होगा, इस तरह से होगा, और dA cos थीटा वाला एरिया कौन सा होगा, इस तरह से होगा। आया नहीं? ठीक है, अब देखो ये एक तरह से वो लाइन थोड़ी है, तो क्या पूरा का पूरा एरिया है, और इस एरिया की वैल्यू कितनी है, dA cos थीटा। और आप एक गौर से करो कि देखो जिस तरफ e है उसी तरफ क्या है, dA cos थीटा, यानी इस तरफ पूरा का पूरा मेरा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू e, और यहां पर ये एरिया मेरा इस तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा इस तरफ है। अब देखो पहले आप इस केस को देखो, इस केस में क्या हो रहा है, सरफेस मेरी ऐसे पड़ी है और इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा ऐसे निकल रहा है।
अब क्या हो रहा है, मुझे बात बताओ इस सरफेस से पास होके कितनी, मतलब इस सरफेस के अंदर से कितनी क्रॉस होके लाइंस निकल रही है। जब सरफेस ऐसे पड़ी है, फ्लो इस तरफ हो रहा है, तो कितनी लाइंस यहां से निकल रही होगी, ऑब्वियस सी बात है जीरो। क्यों भाई, गैस जब सामने होता है तो निकलेगी, ऐसे पड़ा है तो कैसे कोई लाइन निकलेगी, नहीं निकलेगी। तो यहां पर इसका मतलब क्या हुआ कि dA sin थीटा में से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं निकलेगी, और ये वाला जो dA cos थीटा है ये तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड के सामने पड़ा है, दिख रहा है आपको। तो E क्या बताता है कि भाई यूनिट एरिया के अंदर से कितनी लाइन निकलती है, तो अपने पास कितना एरिया है dA cos थीटा, तो क्या हो जाएगा E dA cos थीटा, यानी phi की वैल्यू अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगी E वेक्टर डॉट dA वेक्टर, क्योंकि AB cos थीटा क्या होता है हमेशा A डॉट B होता है, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो है डेफिनेशन क्या आ गई E वेक्टर डॉट dA वेक्टर। अब बहुत सारे लोग आपको क्या करते हैं, कन्विंस करने का ट्राई करते हैं कि देखो 90 पर तो जो है मैक्सिमम होता है थीटा, 0 पर क्या होता है जीरो, ठीक है, उस तरह से आपको समझाने की ट्राई करते हैं कि 90 पर मैक्सिमम थी, 0 पर जीरो, ठीक है, तो एक तरह से क्या होना चाहिए, साइन थीटा होना चाहिए, कॉस थीटा होना चाहिए, लेकिन वो कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है। जैसे मान लो कि हमें देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, इसके सामने ये आया तब मैक्सिमम है, और अगर ऐसे रखेंगे तब क्या है मिनिमम, तो ऐसे तो जरूरी नहीं है कॉस थीटा ही हो। भाई देखो अगर नाइन, देखो जैसे अगर एरिया वेक्टर की टर्म में देखा जाए तो एरिया वेक्टर इसका इधर होगा और इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, इधर होगा। तो देखो एरिया वेक्टर जब जीरो है ई वेक्टर के साथ की डायरेक्शन, तब मैक्सिमम फ्लक्स है, और 90 पर कितना है जीरो है। तो ऐसे तो बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं, जैसे आप 1 cos θ, 1 cos²θ, ठीक है, साइन थीटा, बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट जो है यही होगा। और ये इसका क्या एग्जैक्ट एडमिशन है कि क्यों ये E डॉट dA ही होना चाहिए, क्यों यहाँ पे cos² या cos³ नहीं आ रहा, क्लियर हुई ये चीज। अब देखो अब हम देखते हैं क्या कह रहे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक जो ये फ्लक्स है इसकी यूनिट क्या है, तो देखो इसकी यूनिट, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है कूलम्ब, सॉरी न्यूटन पर कूलम्ब, क्या होती है न्यूटन पर कूलम्ब, इनटू ये क्या है एरिया, एरिया की क्या हो जाएगी मीटर स्क्वायर, यानी क्या हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब, ठीक है। और याद रखेंगे इस फ्लक्स को जो है इस तरह से लिखा जाता है, और उसको हम पढ़ते हैं क्या फाई, ठीक है, फाई इसको पढ़ा जाएगा, और जो है ये इस ये डिनोशन होगा किसका, इसको डिनोट करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, यानी कि विद्युत फ्लक्स को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इसकी यूनिट क्या होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब, और इसकी डायमेंशन ये मैं आपके लिए होमवर्क में छोड़ता हूँ, आपको डायमेंशन निकालनी आती होगी, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि एरिया वेक्टर क्या होता है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। इसके बाद कल हम देखेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, और किस तरह से गॉस लॉ का यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने।